हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दस्तक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, इस वीडियो में हम सभी 30+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गाइस, जो सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन रिलेटेड सारे, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे आप सभी की जो परीक्षाओं में पूछे जाते हो। ठीक, गाइस, ये पार्ट नंबर 14 है, यानी 14वां पार्ट नंबर है। ठीक, अभी तक मैंने जो सारे वीडियो डाले हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। और गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो गाइस, और आप सभी चैनल पे जुड़ जाओ। ठीक है, रेगुलर इस चैनल पे वीडियो आती है। तो ये क्लास सिंपली रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप सभी लोग वीडियो पर एंड तक बने रहो गाइस। लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ओके, तो चलिए देखते हैं सभी। पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए गाइस, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताते रहो, जिससे कि आप सभी के डाउट क्लियर होते चले जाए। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए आप, देखिए फ्रेंड्स, सिंपली कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सारे हैं। देखिए, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, भारतीय मरुस्थल की गाइस एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो जानिए, राइट आंसर निकल रहा है लूनी नदी। लूनी यहाँ पर राइट आंसर बनना है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप सभी, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें गाइस, तो क्या हो जाएगा इसका राइट? ऑप्शन नंबर सी, अज्ञात लिपि। ऑप्शन नंबर सी राइट बनना है यहाँ पर, अज्ञात लिपि। थर्ड क्वेश्चन आज का क्या है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया गाइस? टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया, जानिए आप सभी। राइट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी पर किया गया गाइस। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। जी फ्रेंड्स, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बना है आज का, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था गाइस? कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, जानिए आप सभी। फोर्थ का राइट है ऑप्शन नंबर सी, गाय। ऑप्शन नंबर सी राइट यहाँ पर बनना है। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आप सभी को, इसकी पीडीएफ फाइल वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से मैंने लिंक मेंशन कर रखी है ऑलरेडी, तो आप सभी लोग वहाँ से डाउनलोड करेगा। ओके, देखिए इस चैनल पे गाइस रेगुलर वीडियो इस टाइप से आते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की बात करें तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनना है यहाँ पर, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की गाइस रचना की थी। और प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करते रहिए प्रत्येक क्वेश्चन को। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, प्राचीनतम भारत का प्रसिद्ध हुआ है वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया, चंद्रगुप्त था। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल रहा है, आई होप सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट बढ़ते क्या क्वेश्चन है, किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है गाइस? मुख्य स्मृति यानी प्राइम मेमोरी गाइस किसको बोला जाता है कंप्यूटर का? ऑप्शन नंबर सेवन का राइट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, एट क्वेश्चन आज क्या है, सूर्य सदैव पूर्व में ही निकलता है क्योंकि, यहाँ पे पूर्व में ही निकलता है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि निकलता है, क्योंकि मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट बनना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, नाइन क्वेश्चन आज का क्या है, देखिएगा निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता या प्राथमिकता चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है गाइस? प्राथमिकता चट्टानों की श्रेणी में किसको रखा जाता है? नाइन का राइट है ऑप्शन नंबर आग्नेय चट्टानों को, ऑप्शन नंबर ए बनना है इसका करेक्ट आंसर। टेंथ क्वेश्चन आज का जानिए आप सभी क्या बनना है, देखिए गाइस क्या क्वेश्चन है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं गाइस? जानिए आप सभी क्या कहलाते हैं, लंबे समय तक शांत रहने वाले विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? टेंथ का राइट है ऑप्शन नंबर बी, सुसुप्त ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर। इलेवन क्वेश्चन आज का क्या है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या है, सभी को माला पता है, आई होप सभी को मालूम इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे गाइस अधिक है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक वाला राज्य कौन सा है जिसमें जनसंख्या की दृष्टि सबसे अधिक हो? ठीक है, इन दोनों को राइट आंसर आप सभी बताओ कमेंट करके। तो आप सभी चलते हैं 12 क्वेश्चन आज का क्या है, देखिए गाइस आप सभी, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था गाइस? गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? डी राइट है पर, लुम्बिनी में होता है, इनकी मृत्यु गाइस कुशीनगर में हुई थी, जानिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ रहा है। 13 क्वेश्चन आज का क्या है, भारत में कौन सी नदी का को खुला नाला कहा जाता है गाइस? भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? जानिए यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी को गाइस भारत में खुला नाला कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नदी को, यमुना नदी को याद रखें, यमुना नदी को खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 9वीं ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण कहाँ किया गया गाइस? 9वीं ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण की बात करें तो कहाँ पर किया गया? 14 का राइट है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी लॉस एंजलिस। ऑप्शन नंबर सी राइट पर है। 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जी फ्रेंड्स, सबसे भी आगे 15 क्वेश्चन पर, लखनऊ का प्राचीनतम नाम क्या है? कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हुआ आप सभी के,
और रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम 2016 में हुए थे गाइस, 16-17 में, उसमें भी गाइस ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मणपुरी। ऑप्शन नंबर ए राइट बनना है पर, लखनऊ का प्राचीनतम नाम गाइस लक्ष्मणपुरी, याद रखेंगे आप सभी। 16 क्वेश्चन आपसे क्या बना, देखिए आप सभी। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है गाइस, तो जानिए आप। 16 का राइट है क्रिकेट से। क्रिकेट से फ्रेंड्स, आप रणजी सभी को ट्रॉफी। मेरे सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, सारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए गाइस। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के सारे वीडियोज को आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करें, ठीक फ्रेंड्स। आप सभी लोग शेयर कर दिया करें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। क्या क्वेश्चन है देखिए आप सभी। 17 क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो गाइस कहाँ देख सकते हैं, जानिए यहाँ पर। राइट आंसर 17 का निकल रहा है, ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर गाइस ए है। देखिए 18 क्वेश्चन आज का क्या है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, संघीय सरकार की। ऑप्शन नंबर बी राइट यहाँ पर बनना है, सर की संघीय सरकार। देखिए 90 क्वेश्चन आज का क्या है, देखिए आप सभी। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है गाइस, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है, जानिए यहाँ पर। राइट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में या फिर पार्क असम में स्थित है। देखिए आज का 20 क्वेश्चन क्या बनना है जी फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन पे आगे हम सभी। कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है, विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है, कौन सा है बांध, तो जानिए 20 का राइट ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा। भाखड़ा बांध जो फ्रेंड्स सतलज नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पर। 21 क्वेश्चन आज के क्या है जी फ्रेंड्स, देखिए 21 क्वेश्चन क्या है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है पर। जी फ्रेंड्स जूल होता है, क्या होता है गाइस जी फ्रेंड्स, उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। 22 क्वेश्चन आज का क्या है, मेघ गर्जन वायुमंडल की विशेष की किस परत पे होता है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत पर होता है, जानिए यहाँ पर। 22 का राइट है क्षोभ मंडल पर होता है, ऑप्शन में सबसे जो निचली परत होती है, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर पर सी राइट आंसर बना है जी फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल पर वायु गर्जन वायुमंडल की परत पर होता है, ठीक फ्रेंड्स। वायुमंडल जो मेघ गर्जन होता है तो क्षोभ मंडल पे गर्जन होता है, ठीक फ्रेंड्स। का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट था। 23 क्वेश्चन आज का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो क्या कहलाती है गाइस जी फ्रेंड्स, 23 का राइट है ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर ऑप्शन नंबर टी राइट है जी फ्रेंड्स, 180 डिग्री देशांतर। 24 क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है कौन सा गाइस, यंत्र से विद्युत धारा को मापा जाता है, 24 क्वेश्चन यही राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर, वोल्ट मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है जी फ्रेंड्स, विद्युत धारा को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, इसलिए मैं दो दो बार बोल रहा हूँ जिससे कि आप सभी क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है, याद करते हुए चले गए सारे क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आज का क्या बनना, देखिए आप सभी। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की बात करें तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर निकल रहा है कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी राइट है फ्रेंड्स, कैस्पियन सागर जी फ्रेंड्स, कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील के अकॉर्डिंग आती है, ठीक, कैस्पियन सागर। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हम सभी आगे 26 क्वेश्चन पर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एग्जाम सिलेक्टेड हैं जो आप सभी के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और पिछले वर्ष 20 वर्षों से, 15 से 20 वर्षों का ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर बार से, ठीक, तो सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। हर्ष चरित जिसमें हर्ष के जीवन का गाइस क्या किया गया, वर्णन किया गया यानी व्याख्या की गई यानी बताया गया, किसके द्वारा लिखा गया गाइस, वह हर्ष चरित जिसमें हर्ष के जीवन का वर्णन किया गया किसके द्वारा लिखा गया, 26 का राइट है ऑप्शन नंबर सी, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका बनकर आ रहा है, ठीक है। 27 क्वेश्चन आज का क्या है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था गाइश, यानी आप सभी स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था गाइश, नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर, नरेंद्र नाथ दत्त का मूल नाम, याद रखेंगे आप सभी, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जी फ्रेंड्स नरेंद्र नाथ दत्त था। 28 क्वेश्चन आज का क्या बना है जानिए आप सभी, देखिए गाइस कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। विश्व का प्रसिद्ध सेरागेती वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है, फिर से जानिए जी फ्रेंड्स, फिर से जानिए एक बार क्वेश्चन, विश्व का प्रसिद्ध सेरागेती वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है, तो जानिए कहाँ पर है। 28 का राइट है ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया में, ऑप्शन नंबर बी राइट है पर, तंजानिया, ठीक फ्रेंड्स।
29 क्वेश्चन आ चुका है, यानी आप सभी इस क्वेश्चन को भी, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप 2017 में स्वर्ण पदक जीता, किस भारतीय ने जीता था, जानिए आप सभी। 29 का राइट है जीतू राय, ऑप्शन नंबर ए राइट बनना है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बनना राइट, ऑप्शन नंबर ए जी फ्रेंड्स, जीतू राय ने ISSF विश्व कप 2017 में स्वर्ण पदक जीता था गाइस। 30 क्वेश्चन आज का क्या है, जानिए आप सभी 30 क्वेश्चन को, देश के पहले हेलीपोर्ट का शुभारंभ 1 मार्च 2017 को किस स्थान पर किया गया, करंट क्वेश्चन है, 2-3 महीने रिपीट किए जो काफ़ी पुराने क्वेश्चन हैं 2016-17 के हैं, ठीक फ्रेंड्स एग्जाम में आ जाते हैं। देश के पहले हेलीपोर्ट का शुभारंभ 1 मार्च 2017 को किस स्थान पर किया गया, जानिए आप सभी, इसका राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी रोहिणी, यानी जो नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है जी गाइस। देखिए 31 क्वेश्चन आज का क्या है, किस भारतीय क्रिकेटर को BCCI द्वारा पाली उमरीगर पुरस्कार 2016-17 में सम्मानित किया गया, एक बार से क्वेश्चन हम सभी रिपीट करते हैं जी फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन बनना है, किस भारतीय क्रिकेटर को BCCI द्वारा पाली उमरीगर पुरस्कार 2016-17 से सम्मानित किया गया, तो कौन थे फ्रेंड्स वो क्रिकेटर, ऑप्शन नंबर डी राइट है पर विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी राइट इसका हो जाएगा। 32 क्वेश्चन आज का क्या है, देखिए फ्रेंड्स आप सभी जी फ्रेंड्स, यानी आपका 32 क्वेश्चन आज का क्या बना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है, जानिए आप राइट निकल लें, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, सी राइट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, 14 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हुए मिलते हैं नेक्स्ट 15 पार्ट पर, ठीक है, तब तक के लिए इतना ही।